छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि यहां प्रेमी के साथ मिलकर एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी। पहले तो महिला ने पुलिस से छिपाया कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन उसके 9 वर्षीय बेटे ने महिला के गुनाह से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी का किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो उसके पति को गवारा ना था, जिसके चलते उसने अपने प्रेमी राजेश साहू के साथ मिलकर अपने पति को मारने की साजिश रच डाली। इस वारदात से आसपास दहशत का माहौल भी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की जांच में पता चला कि बिंदु और उसके प्रेमी राजेश के बीच पिछले करीब 1 साल से प्रेम संबंध था। इस बात पर बिंदु और उसके पति नमित के बीच विवाद होता रहा। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत भी दी थी। आरोपों की माने तो रक्षाबंधन पर बिंदु अपने प्रेमी के घर भागकर चली गई थी। सूचना मिलने के बाद उसका पति उसे राजेश के घर वापस ले आया था। इसके बाद भी आरोपी राजेश का उसके घर आना जाना जारी रहा। प्रेमी के घर से लौटने के बाद महिला ने पति की हत्या करने की योजना प्रेमी के साथ मिलकर बना ली। यहां आपको बता दें कि पहले तो महिला ने अपने पति की हत्या कर उसके सीने में दर्द होने से मौत होने का नाटक रचा। पति की हत्या के बाद वह अपने कमरे में दोनों बेटियों के पास सोने चली गई। पति के पास जाने के बाद उसने पड़ोसी, चाचा, ससुर और बाकी परिजन को बुलाकर पति के सीने के दर्द से मौत होने की जानकारी दी। इसके बाद महिला ने रोना धोना शुरू कर दिया। आखिरकार महिला के बेटे ने उसके गुनाह से पर्दा हटा दिया और पुलिस को बताया कि उसकी मां ने ही उसके पिता की हत्या की है। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ धनंजय वर्मा की रिपोर्ट। ये दिनांक 10 अक्टूबर को पुलगांव थाने में सूचना मिली थी कि पुलगांव बस्ती का निवासी नमित साहू की रात में मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक पूछताछ पर यह पता चला था कि रात में सीने में दर्द होने के बाद नमित साहू की मृत्यु हुई है। मामला संदेहास्पद होने से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और इसी दरमियान पुलिस लगातार मामले पर निगाह रखी हुई थी। परिजनों से पूछताछ और अन्य सूत्रों से ये खबर लगी कि जो मृतक था नमित साहू, उसकी पत्नी का टेडेसरा निवासी राजेश साहू के साथ प्रेम संबंध विगत 1-1.5 वर्षों से चल रहा और मृतक नमित साहू और उसकी पत्नी के बीच इस बात को लेकर लगातार वाद विवाद होता था। घटना दिनांक 9 और 10 अक्टूबर की दरमियानी रात आरोपी राजेश साहू नमित साहू के घर आया और मृतक की पत्नी के साथ मिल करके उसने उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलगांव थाने में अपराध क्रमांक 369/20, धारा 302, 120B और 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले में दोनों आरोपी हिरासत में लिए गए हैं और इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। जो सर, जो मृतक है और जो मृतक का जो प्रेमी है, दोनों के बीच में संबंध जो किस मृतक और जो आरोपी है, ये दूर के रिश्तेदार हैं और इनका एक पिछले 1-1.5 वर्षों से इसके घर में आना जाना था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.